अमित शाह जी मीडिया के हवाले से ही बोलते हैं, न प्रधानमंत्री डायरेक्टली देश से बात करते हैं, न अमित शाह जी बात करते हैं, देश के गृह मंत्री हैं। इस देश में दंगे भड़के हुए हैं, 10 राज्यों में दंगे हो रहे हैं, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं सुना, आप लोगों के और सूत्रों के हवाले से ही पता चलता है। खैर, इस सड़क को के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तब वसुंधरा राजे जी की भाजपा सरकार ने दिया था। अलवर की नगर पालिका में 35 सदस्य हैं, उसमें से 34 भाजपा के हैं। अलवर की नगर पालिका के चेयरमैन भाजपा के हैं। ये काम नगर पालिका ने कराया, स्थानीय नगर पालिका के द्वारा हुआ, जो भाजपा के 34 सदस्यों से बनी है। तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से हमें पलट के पूछना चाहिए, और सवाल आपने सही कहा, पूछना इसलिए भी जरूरी है कि बनारस में जो तमामों मंदिर तोड़े गए, और ये तो संत समाज कह रहा है, हम नहीं कह रहे, उसके बारे में माफी कौन मांगेगा? वहां के सांसद माफी मांगेंगे क्या? और काशी के सांसद तो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। वहां पर किन ऑफिशियल्स और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी? गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि विकास के नाम पर मंदिर अवैध निर्माण के तहत हटाए गए थे। दिक्कत की बात यह है कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप उसको सौंदर्यीकरण, आप उसको विकास, आप उसको न्यू इंडिया का नाम और जामा पहनाते हैं, और जब कोई दूसरा करता है, और आप ही की नगर पालिका, भाजपा की ही नगर पालिका ने यह काम किया है, तो उसमें आप हिंदू मुसलमान खोजने लगते हैं। यह सच है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराकर वहां पर वैमनस्य नफरत की राजनीति कराने के चक्कर में है, लेकिन वो अशोक गहलोत जी का राजस्थान है, वहां पर कानून व्यवस्था बनी हुई है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वहां पर रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर बनाई। आपके राज्यों में रामनवमी पर दंगे हुए, लेकिन राजस्थान में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनी, लोगों ने गले मिलकर रामनवमी मनाई। अब खीसे निपोरने का वक्त हो सकता है आया हो, शायद एम्बेरस्ड हूं ऐसी काम कर रहे हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए इस तरह के काम करना शायद एक सरकार को शोभा नहीं देता है। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, जो जहांगीरपुरी में हुआ। आप राजस्थान में क्या कोशिश कर रहे हैं, आपने खारगोन में क्या किया, सारा देश देख रहा है। आप आंख बंद कर लीजिए तो ये नहीं है कि ये जगत बना नहीं है, ये जगत बना है और ये जगत देख रहा है कि क्या हो रहा है। और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार, मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है, और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं, और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के, और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीजों का दाम बढ़ा है, उसमें 299 चीजों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में, उसमें से 235 चीजों का दाम, करीब करीब 80% चीजों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। और एक विडंबना यह है कि हम आशा करते हैं कि कभी क्रूड गिरेगा, जब गिरता भी है, चुनाव आएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ना बंद हो जाता है। पेट्रोल का दाम सरकार के हाथों में लगातार रहता है, जब चाहते हैं बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं। तो एक ही आशा कहीं ना कहीं रहती है कि चलो चुनाव आएगा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन चीजों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं,
उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो एक ही तरफ है और वो ऊपर की ओर है। और इसीलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं कि, लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें सारा डेटा है। इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2014 से लेकर मार्च 2022 तक, और ये बेस ईयर पे कंपैरिजन है। आप मुर्गा मछली का दाम देखिए तो वो तो 95% 57% बढ़ा है। पेट्रोल उसके मुकाबले 31.3% बढ़ा है। दूध लगभग 40% बढ़ा है पेट्रोल से ज़्यादा। घी करीब 38% बढ़ा है पेट्रोल से ज़्यादा। गेहूं और आटा 27% बढ़ा है, जो हर घर में खाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 96% की बढ़त आई है। रिफाइंड ऑयल में लगभग 90% बढ़त हुई है। मूंगफली का तेल, जिसको ग्राउंड नट ऑयल कहते हैं, 80% बढ़त, करीब 48% बढ़त, 48% बढ़त आपको दाल जैसे अरहर और तूर दाल में, और मूंग दाल जो मुझे तो ऐसा लगता है खिचड़ी और ज़्यादा बीमारी में खाई जाती है, उसमें 32% बढ़त हुई है। ये भी पेट्रोल के परसेंटेज बढ़त से ज़्यादा है। सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। प्याज में 8 सालों में 68% वृद्धि हुई है। बैंगन जैसी सब्जी में, जो बच्चे जरूर नाक मुंह सिकोड़ते होंगे, लेकिन सच है कि बैंगन में 56% की वृद्धि हुई है। अन्य सब्जियां 51% बढ़ी हैं। पालक और बाकी साग सब्जी 41%, ये भी पेट्रोल के 31.23% बढ़त से ज्यादा है। अस्पताल में इलाज का खर्चा 71.6% बढ़ा है पिछले 8 सालों में। दवाइयों में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। बाहर से अगर आप खाना खाते हैं, ठेले पे, खोमचे पे, होटल्स में, करीब 55% बढ़ा है। बस का किराया करीब 54% बढ़ा है। ट्यूशन फीस, सबको पता है कि महामारी के दौरान और आर्थिक मंदी के चलते सबसे ज़्यादा मुश्किल मध्यम वर्ग परिवारों को बच्चों का ट्यूशन फीस देने में हुई, वो 51% बढ़ी है। घर का किराया 46% बढ़ा है। और ये सारी चीज़ें मैं फिर से दोबारा से कहूँगी, पेट्रोल 31.3% और ये सारी चीजें उससे ज्यादा पिछले 8 सालों में। तो सिर्फ महंगाई से ही लोगों को त्रस्त नहीं किया जा रहा है। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी आपकी बैंक में है, एफडी में, उसमें भी डाका डाला जा रहा है और आपके सर के ऊपर कर्जा भी का बोझ बढ़ रहा है। ये सच है कि भारत की जो अभी जो वित्त मंत्री ने थोड़े दिनों पहले आंकड़े रिलीज किए थे, दिसंबर 2021 की तिमाही में हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 46 लाख करोड़ के पार है। तो मोटे तौर पर, बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, आज इस देश का नवजात शिशु भी अपने सिर पर 46,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि 2 या 3 ज्वलंत सवाल हैं, क्योंकि बार बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बात होती है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस देश की 84% आबादी की आय घटी है, जब इस देश के सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हुई है, तो यह सरकार महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को पे लगाम लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है। दूसरा सवाल सरकार के तमाम मंत्रियों और प्रधानमंत्री से है कि क्या उनको इस बात का इल्म है, क्या उनको इस बात की नॉलेज है कि महंगाई के ही चलते भारत में कुपोषण और भुखमरी दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। कुपोषण का इंडेक्स सरकार खुद जारी करके बताती है लोगों में कैसे कुपोषण बढ़ रहा है, और हंगर इंडेक्स में लगातार भारत का गिरना, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक के नीचे होना इसका सबूत है। कुछ चीजों का दाम आपके सामने जरूर कोट करना चाहती हूँ। जो आटा 10 रुपए पे मिलता था, 20 रुपए पे मिलता था, आज वो 30 रुपए प्रति किलो है। पकौड़ा तलने वाला तेल 240 रुपए प्रति लीटर है। दूध का दाम अभी अभी बढ़ा है। मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध 60 रुपए प्रति लीटर है।
और ये सारी वो चीजें हैं, और मैंने जानबूझकर इन तीन चीजों को लिया क्योंकि ये हर घर में, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में, गरीबों के यहाँ, अमीरों के यहाँ, सबके यहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर सरकार के पास इससे जूझने की, इनको कम करने की क्या रणनीति है? तो हमारा अपना मानना है, और ये दो बड़ी मांगे हमारी हैं, कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त जाया किए, सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए। और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती, क्योंकि ये सच है कि इन सब चीजों का, जिनका हमने जिक्र किया, बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसको बढ़ने से ही ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर, और उससे ज्यादा जरूरी है महंगाई पर, एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ये सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से ये महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है। वेरी डिफिकल्ट टू रन अ हाउस होल्ड, घर चलाने का खर्चा जो 44% बढ़ा है, मैं अभी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और फर्टिलाइजर की बात ही नहीं कर रही हूँ। जो आपकी बात सही है कि 50 किलो की बोरी को 45 किलो का करके उसका भी दाम बढ़ा दिया गया, सीमेंट की चीजों का भी यही किया गया, चॉकलेट को भी परसेंटेज वाइज घटा दिया गया। मैं तो अभी उन चीजों की बात हम यहाँ से आज इसलिए जरूरी करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बार जब विस्तृत चर्चा होती तो उसमें कहीं पर यह शायद मिस हो जाता है कि तेल, घी, मसाले, आटा, इन सब के दाम, दवाइयों के दाम, अस्पताल में इलाज कराने का दाम कितना बढ़ता जा रहा है। सो वी वांटेड टू कीप द फोकस स्क्वेयरली ऑन रनिंग द हाउस होल्ड एंड विच इज वाई वी परहैप्स डिड नॉट टॉक अबाउट द परसेंटेज ड्रॉप और इंक्रीज, बट फ्रॉम दिस वेरी प्लेटफॉर्म वी एड्रेस दोज इश्यूज। बट या, इट्स अ पॉइंट वेल टेकन। यस सर। द प्रॉब्लम बीजेपी के साथ ये है, सबसे बड़ी समस्या, कि कोई भी व्यक्ति जो उनको सही सलाह दे सकता है या जो उनको आईना दिखा सकता है, उनके पीछे या तो मंत्री पड़ जाते हैं या बेलगाम प्रवक्ता पड़ जाते हैं या उनकी ट्रोल आर्मी पड़ जाती है। मुझे लगता है रघुराम राजन ने आज नहीं, आरबीआई गवर्नर रहते हुए भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहता, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने सरकार का दामन और इस सरकार का साथ इसलिए छोड़ा। और आज आपने सुना नीति आयोग में भी फेरबदल हुआ है, अरविंद पाणगरिया हो गए, अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, विराल आचार्य हो गए, उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को, जिन नामों को वैश्विक स्तर पर शायद एक अथॉरिटी माना जाता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पर, उनको ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है? क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन इतने सारे अर्थशास्त्रियों का इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल में छोड़ के जाना अपने आप में सबूत है कि जिन लोगों को इन्होंने लाकर पदों पे बिठाया वो भी छोड़कर चले गए क्योंकि शायद जमीर गवारा नहीं करता है। मुझे लगता है रघुराम राजन जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। आज भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि इन्वेस्टर कम्युनिटी में धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि है उसके चलते भारत के तमामों HNIs, तमामों उद्योगपति भारत में पैसा ना लगा के वैश्विक स्तर पे बाहर की जगहों पर जाकर क्यों लगा रहे हैं, इसका जवाब शायद रघुराम राजन जी की बातों में है। आज क्या यह सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके सामने शायद सच ना बोल पाते हो उद्योगपति क्योंकि आपकी एजेंसीज जाकर उनको प्रताड़ित करती हैं, लेकिन तमामों ऐसे HNIs हैं जिन्होंने, और ये सदन में भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, जिन्होंने इस देश के शोर्स को छोड़कर बाहर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर समझा है। तो जो जिस तरह की नफरत और हिंसा की आग आप लगा रहे हैं देश में, उसका ये साफ नतीजा है। इस देश को आज इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं महसूस। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.